ट्विंकल शर्मा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ट्विंकल शर्मा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ट्विंकल शर्मा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ट्विंकल शर्मा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। भारत माता की जय, वंदे मातरम, मातरम, मातरम। मैं तो बिल्कुल यही चाहती हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हमारा कानून ऐसा है नहीं। या तो उन लोगों को दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि जिसके घर में ये आग लगती है सिर्फ उन्हीं को इसका दुख और दर्द होता है। जब तक कहते हैं कि किसी को चोट नहीं लगती उसको उसका दर्द महसूस नहीं होता, तो सेम चीज़ वही है कि बस कानून थोड़ा सख्ती से कार्रवाई कर ले, क्योंकि हमारे कैंडल मार्च करने से भी कुछ नहीं होगा। सबसे पहले कानून को या हम सबको पहले ये देखना चाहिए कि ये सब हो क्यों रहा है। क्यों जब कोई करता है तो उसे कुछ लगता नहीं, उसको कोई दुख नहीं होता ये सब काम करते हुए। और दूसरी बात, उसे क्यों कोई डर नहीं लगता। हमें लोग ऐसे लोगों के अंदर डर बिठाना चाहिए, सरकार को डर बिठाना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर हम उन्हें फांसी की सज़ा दे देंगे तो वो चीज़ वहीं ख़त्म हो जाएगी। कितनों को फांसी की सज़ा मिली, पर क्या ये रेप कम हुए? हर 4 मिनट बाद एक रेप होता है, हर 4 मिनट बाद। तो हमें क्या वो करना चाहिए, फांसी की सज़ा के सिवाय हमें उम्र कैद देनी चाहिए, ताकि उन लोगों को पता लगे कि कैसे उन्हें जीते जी सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसी सज़ा देनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि इंडिया में लॉ की कमी नहीं है, लॉ इतने हैं, इंटेंशंस भी ठीक है, पर इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ी दिक्कत है। किसी इंसान को क्राइम करने का डर ही नहीं है, क्योंकि सजा उसको भी पता है कि 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल मैं इधर उधर घुमाता रहूँगा, तारीख पे तारीख लेता रहूँगा, तो इससे कुछ होगा नहीं। और सरकार पे सब कुछ छोड़ देना सही नहीं है, आपको समाज में भी जेंडर इक्वालिटी की बात करनी चाहिए, आपको समाज में बदलाव लाना पड़ेगा।